नमस्कार, मैं सत्यजीत प्रभु एक म्यूजिशियन हूँ बॉलीवुड रिलेटेड फील्ड से। लास्ट 28 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। हालांकि मैंने हारमोनियम बजाना शुरू तो किया चार वर्ष की उम्र से, मगर आई एम इन टू म्यूज़िक फॉर लास्ट 28 ईयर्स प्रोफेशनली। सो ऐसा कह सकते हैं कि इन सब सालों में मैं रोलैंड के सब कीबोर्ड्स इस्तेमाल करते आया हूँ और बहुत सारे फैंटास्टिक मॉडल्स रोलैंड ने जो तैयार किए हैं, D10, D20, U20, JV30 एंड देन टेलीविज़न शुरू करने के बाद मेरा ज़्यादा काम था वो XP60, फैंटास्टिक कीबोर्ड बाय रोलैंड XP60 पर था। और उसके बाद टिल डेट XPS30, जूनो DI, XPS30 एंड फैंटम। तो आज मैं आपके सामने जो आया हूँ वो एक रोलैंड का फैंटास्टिक अरेंजर कीबोर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए। E-X50 इस मॉडल का नाम है और दिस इज़ अ वन मैन बैंड, हम लोग कह सकते हैं वन मैन ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, जब रिहर्सल्स करते हैं या किसी परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें एकम्पनिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस कीबोर्ड में इतने सारे रिदम पैटर्न्स है, तो बॉलीवुड के जितने भी जॉनर्स है, लाइट म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, फिल्म म्यूज़िक है, थोड़ा सा सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है, तो इंडियन पैटर्न्स के हिसाब से रिदम के बहुत सारे पैटर्न्स इस कीबोर्ड में इंक्लूडेड है। तो आप जब भी गाने का म्यूज़िक बजाते हैं, गाना बजाते हैं या किसी के साथ अकम्पनी करते हैं, तो आपको रिदम पैटर्न्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम लोग कुछ गाने सुनेंगे, कुछ गानों के म्यूज़िक पीसेस सुनेंगे जिसमें आपको ये बेहतरीन रिदम पैटर्न्स का उपयोग कैसे होता है वो हम देखेंगे। थैंक यू। Thank you.
The next song is Tumse Milke Aisa Laga from film Parinda, composed by legendary music director Pancham Da and sung by legendary singers Suresh Ji Wadkar and Ashatai Bhosle. I am fortunate that I have been playing with the legend Suresh Ji for so many years, and I just enjoy the song, every song playing with him, and it's related to me as well, because jab se ye Roland meri zindagi mein aaya to bas tumse milke aisa laga yehi sab feelings mere bhi man mein hai. So let's start with the song. Thank you.
धन्यवाद रोलैंड EX50 के डेमोज़ जो आपने देखे, मैं आशा करता हूँ कि वो डेमोज़ आपको पसंद आएंगे। और इस कीबोर्ड की एक खासियत ऐसी है कि इसमें बहुत सारे रिदम पैटर्न्स हैं जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक या लाइट म्यूज़िक, मतलब फिल्म के गानों के जो पैटर्न्स होते हैं वो भी इसमें है। तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए या एक परफॉर्मेंस के लिए भी एक कीबोर्ड लेके जाएं तो अपना पूरा परफॉर्मेंस इसमें हो सकता है। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें ब्लूटूथ अटैचमेंट है, सो दैट आपके ट्रैक्स, आपका म्यूज़िक स्टफ़ जो भी है वो आप ब्लूटूथ के ज़रिए इसमें प्ले कर सकते हैं। और एक बात इसमें है कि इसमें एक माइक इनपुट दिया हुआ है, सो आप ये कीबोर्ड लेकर जाएं और आपका बैंड इज़ रेडी। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और EX50 इस्तेमाल करके अपना परफॉर्मेंस का जो ग्रेड है वो बढ़ाएं।